बिग बॉस 13 घर से बेघर हुए सिद्धार्थ बाहर आते एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चुकाने वाले खुलासे। नमस्कार, बिग बॉस 13 में हर दिन नए मॉड आ रहे हैं, जहां एक तरफ घर के कुछ पुराने सदस्य एक एक करके बाहर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शो में नए कंटेस्टेंट की भी एंट्री होने की तैयारी है। बीच हफ्ते हुए पहले एविक्शन में बिग बॉस के घर से सिद्धार्थ डे को बाहर हो गए हैं। घर से निकलने के बाद सिद्धार्थ ने अमर अजाला से खास बातचीत की और शो के अपने अनुभव को साझा किया। बिग बॉस का मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, इस दौरान मुझे पता चला कि जिंदगी में कुछ चीजें जो मुझे करनी चाहिए और कुछ चीजें जो मुझे नहीं करनी चाहिए। हम सिर्फ अपने कामों से नहीं सीखते हैं बल्कि कई बार दूसरों के काम से भी सीख जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। शो से मैं जब निकला तो मुझे खुशी थी कि मुझे आखिरकार आजादी मिल रही है। ऐसे जगहों पर रहने से काफी तकलीफ होती है क्योंकि हम अपने घर वालों दोस्तों करीबियों की वजह से अपने अनुसार बर्ताव कर पाते हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता है। शो से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में जो अच्छे लोग हैं हमें उन्हें सराखों पर रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने लोगों से जिन बातों पर गुस्सा हो जाते हैं असल से वे मुद्दे ही नहीं होते हैं। बाहर की दुनिया में तो लोग बिना बात के ही आप पर चढ़ जाते हैं और बेमतलब उसका बेखड़ा बना देते हैं। जो असल बात है वह तो अब छुपा रहे हैं और जो मुद्दा नहीं है वह उस पर उससे वह राय का पहाड़ बना देते हैं। वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दो हफ्ते पहले एक टास्क हुआ जिसमें मेरे ऊपर 2 घंटे तक ब्लीच डॉल का रखा गया था। इतनी देर ब्लीच का इस्तेमाल करने से मेरी स्किन जल गई थी। फिर उस हालत में मेरे ऊपर करीब 1 किलो लाल मिर्च डाल दी गई। उस घटना में मेरे सप्ताह को एकदम से खत्म कर दिया। अब भी मेरे गर्दन पर उसका गहरा घाव है जो काफी दर्द होता है। हालांकि इसके बावजूद मैं वहां पर अपने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी मन से नहीं कर पा रहा था। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि टीवी के सेलिब्रिटीज अपने आप के अच्छे से पेश कर पाते और वोट भी अधिक पाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। अगर मेरे साथ वह हादसा नहीं हुआ होता तो मैं और भी आगे जा सकता था। मेरे अनुसार शेफाली, पारस, रशिम और हाँ शहनाज भी विनर हो सकती है। अगर शहनाज अपने हिसाब से चले तो वो बहुत आगे तक जा सकती है, साथ ही वह टीवी इंडस्ट्री में भी बुलंदियों पर पहुंच सकती है। बिल्कुल भी नहीं, घर के अंदर आपके कई बार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बहस हुई थी, क्या घर के बाहर भी रिश्ते ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे मन में तो उनके लिए कोई बैर नहीं है। कभी हम आगे मिलते हैं और उन्हें भी एहसास हो जाता है और कि वह तो सिर्फ शो था जो हमारे बीच दोस्ती हो सकती है। मेरे पास दुश्मनी के लिए समय नहीं है। मेरे अनुसार असीम अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया, लोग अभी तक उसे समझे नहीं है, वह हद से ज्यादा गुस्सैल है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आक्रामक इंसान नहीं देखा है। लोगों ने उसे वोट किया, इसका मतलब है कि वह अभी तक सामने नहीं आया है। शो में आपको शेफाली बग्गा के साथ नजदीकियां देखने को मिली, इस रिश्ते को आप क्या नाम देना चाहोगे? हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, मैं लेखक हूँ, वह पत्रकार है, दोनों ही समझदार हैं और हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, इसलिए हम एक साथ समय बिताते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक घर के अंदर पहली बार मिले और प्यार में पड़ गए हो। घर में हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे को समझते थे और परवाह करते थे। मैंने घर से बाहर निकलते समय एक बात कही थी कि चाल में चलता नहीं, खेल में खेलता नहीं, जाल में बुनता नहीं और अपने और अपने को अलावा मैं किसी की सुनता नहीं। इससे मेरी जिंदगी का सार है, मैं आगे भी चाल नहीं चलने वाला हूँ। मैंने ये शो पहले नहीं देखा था, मुझे लगता था कि शो में आकर हमें घुल मिल जाना चाहिए और वही चीज मैं दूसरों को समझाता था। तो अगर मैं फिर घर के अंदर जाऊंगा तो उन्हें समझाऊंगा कि किसी भी बात का ज्यादा मुद्दा बनाने से, लड़ाई करने से और हद से ज्यादा गुस्सा होने से कोई भी जीत नहीं सकता। हाँ, मैंने एक टास्क के दौरान कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिसका मुझे दुख है और उसके लिए प्रायश्चित भी करता हूँ। हालांकि उसके अलावा मैंने किसी को एक भी गाली भी नहीं दी थी और हमेशा लड़कियों की मदद करता था।